जनपद संभल के चंदोसी नगर पालिका कार्यालय पहुंचे जिलाधिकारी संजीव रंजन। सख्त आय नजर, नगर पालिका द्वारा नगर में जगह जगह चल रहे जल निगम के कार्यों पर, सुस्त चाल से चल रहे निर्माण कार्यों पर मिल रही शिकायतों पर जिलाधिकारी संजीव रंजन भड़क गए। उन्होंने संबंधित ठेकेदार को जमकर लताड़ लगाई। जिलाधिकारी ने साफ कहा कि निर्माण कार्य में लापरवाही बरती गई तो जेल की हवा खानी पड़ सकती है। जिलाधिकारी ने दो टूक कहा कि शिकायतों को नगर पालिका गंभीरता से ले, जनता की समस्याओं का निवारण हेतु टीम बनाकर कार्य करे, अन्यथा कार्यवाही को तैयार रहे। शनिवार को चंदोसी नगर पालिका कार्यालय में जिलाधिकारी के निरीक्षण की सूचना पर कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में कर्मचारियों ने कार्यालय की दौड़ लगा दी। जिलाधिकारी ने नगर में चल रहे विकास कार्यों की हकीकत को जाना और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान कई सभासदों ने अपने वार्ड में विकास कार्यों में नगर पालिका द्वारा पक्षपात करने का भी आरोप लगाया। मैं बता दूं कि हमने सबसे पहले यहाँ निर्माण कार्यों की स्थिति देखी, तो जो भी 2019 से लेकर 2021 तक के काम थे, इस काम में जो काम अभी बचे हुए हैं उन कामों को जल्दी से पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं कि इसको 31 दिसंबर तक पूरा करा लें, और जो काम आरम्भ होने हैं वो 31 दिसंबर के पहले काम आरंभ हो जाए, ताकि अगर चुनाव की आचार संहिता लगती है तो उसके पहले काम शुरू रहे, काम रोका ना जाए। कुछ एक सड़क के जो काम थे जो यहाँ चंदोसी में लगातार जिसके कारण समस्या झेलनी पड़ रही है, उसमें जल निगम के जो एई हैं, एक्सीएन हैं और साथ में जो संबंधित ठेकेदार थे, तीनों के साथ बैठकर यहीं पर वार्ता की गई और हर एक जोन का एक टाइमलाइन डिसाइड किया गया। टाइमलाइन जो पूरा होने के पहले यह निर्देश दिया गया है कि जितने जोन है उसमें एक बोर्ड लगाया जाए, बोर्ड में उसके संबंध में यह स्पष्ट सूचना रहे कि यह काम कितने लागत का है और यह काम कब तक पूरा होगा, अगर कोई इसमें कमी या परेशानी है तो इसमें संबंधित किससे शिकायत करें। तो ये इसकी बात की गई है और ये 3 दिनों में लगाने के इनको कहा गया है। हर एक जोन का टाइम डिसाइड किया गया है, वो टाइम है जो कि आपको बता दिया जाएगा कि कब कौन कौन होगा, वो बोर्ड में भी लिखवाया जाएगा। तो मुझे लगता है कि उसको अगर हम लोग प्लानिंग करके काम करें तो जिसको जो समस्या हम लोग यहाँ पिछले लगभग 1 सालों से झेल रहे हैं वो समस्या हमारी समाप्त हो जाएगी। और चंदोसी के जो स्वच्छता की व्यवस्था है उसके संबंध में भी इनको निर्देश दिए गए हैं कि कैसे इसमें सुधार लाया जाए। और इसी तरह से यहाँ का ये कैशबुक भी देखा गया, कैशबुक में क्या स्थिति है फाइनेंस की वो भी चेक किया गया, किराया का रजिस्टर देखा गया, इस तरह के जितनी व्यवस्थाएं हैं इनको सब चेक करके इनको निर्देश दिए गए हैं। और इन्हें यह कहा गया है कि जो एमिनिटीज, जो फैसिलिटी नगर में होना चाहिए नगर पालिकाओं में, वो उसको डेवलप किया जाए धीरे धीरे, कि खेल का मैदान इत्यादि, पार्क इत्यादि पर्याप्त संख्या में हो। तो ये निश्चित है कि उसमें भूमि की उपलब्धता की एक समस्या रहती है, लेकिन उपलब्ध ज़मीनों के आधार पर चंदोसी में हम लोग ये प्लान करेंगे कि इसमें जो सिविक कम्युनिटीज है वो और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसके पहले एक प्रेस क्लब आप लोगों को बनाना पड़ेगा। वो प्रेस क्लब पहले तैयार कीजिएगा, तब तो उसके आगे कार्रवाई होगी। इसके लिए सर जगह की आवश्यकता नहीं, जगह बाद में होगी, क्लब